हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है, स्पेशली मॉम एंड किड्स के लिए। बात अगर बच्चों की आए तो हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि बच्चों पे क्या यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ नहीं करना चाहिए जो बच्चे के लिए अच्छा हो। यहाँ पर मैं एक ऐसा प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगी जो आप अपने बच्चों पे यूज़ कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट मैं आपको दिखाऊंगी ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, सो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। बट स्टिल आई वुड रिकमेंड, पैच टेस्ट ज़रूरी है। कोई भी प्रोडक्ट अपने बच्चों पे यूज़ करने से पहले आप पैच टेस्ट ज़रूर करें। जिस प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो है ये बेबी रॉयल सोप। तो ये आयुर्वेदिक एक्स्ट्रा माइल्ड बेबी सोप है। दिस इज़ फॉर किड्स एंड फॉर मॉम ऑल्सो। और ये स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है। इसमें नेचुरल ऑयल्स यूज़ किया गया है। ये रिच है विथ एंटीऑक्सीडेंट्स, स्किन को स्मूथ करता है और ये सारे स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। 3 ईयर्स की इसकी शेल्फ लाइफ है। इस पर वेबसाइट लिंक दी हुई है, वहाँ से परचेज कर सकते हैं आप। ये इसकी इनर पैकेजिंग है और इस सोप में ग्लिसरीन यूज़ किया गया है जो सेंसिटिव स्किन के लिए बेस्ट है। कोई भी स्किन टाइप यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है, चिल्ड्रंस के लिए सेफ है, केमिकल्स नहीं है। आप कलर देख सकते हैं, इसका कोई भी कलर यूज़ नहीं किया गया है। ये इको फ्रेंडली है, 100% नेचुरल है, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है। इसके अंदर कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है। बेबी भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी जब इसको हम नहला रहे थे। तो आई वुड हाईली रिकमेंड, जस्ट गो फॉर दिस। दिस इज़ नॉन टॉक्सिक सोप। अगर बेबी के सोप की बात की जाए तो वो जेंटल होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए, एक्स्ट्रा माइल्ड होना चाहिए। इसके अंदर कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं होने चाहिए। इस तरह के प्रोडक्ट आपको यूज़ करने चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो प्रोडक्ट दिखा रही हूँ दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड बेबी रॉयल। इसे मॉम भी यूज़ कर सकते हैं, इसे किड्स भी यूज़ कर सकते हैं। इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है बेबीज़ का, बट जब मेरी भाभी के बच्चे पे इसे यूज़ किया था तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, कोई रैशेस नहीं, कोई भी ड्राइनेस नहीं थी स्किन पे। स्किन बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज थी। तो बेबीज़ के सोप सिलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, तो प्रोडक्ट्स में सल्फेट नहीं होना चाहिए, SLS जिसे बोलते हैं। वो आपके स्किन को इरिटेट करता है, स्किन डैमेज करता है। पैराबेंस यानी कि एक्स्ट्रा एडेड प्रिजर्वेटिव्स होता है जो हमारे स्किन पे बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, हमारे स्किन को पूरी तरह से डैमेज करता है। ड्राइनेस आ जाती है, रेडनेस आती है, स्किन इरिटेट करने लगती है, स्किन में रैशेस होने लगते हैं। इस तरह के पैराबेन केमिकल्स वाले प्रोडक्ट आप अवॉइड कीजिए अपने बच्चों के लिए। अगर प्रोडक्ट में ट्राइक्लोसन है तो स्किन डिसीजेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप बेबी के प्रोडक्ट्स को ट्राई करते हैं या अपने बेबी पे यूज करने वाले हैं। इस सोप में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं वो मैं आपको भी बताती हूँ। इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे नेचुरल हैं। इसमें यूज किया गया है एलोवेरा। एलोवेरा हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करता है। आंवला इज रिच इन विटामिन सी जिससे आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करने लगती है। कैस्टर ऑयल, कोकोनट ऑयल, लाई, मोरिंगा, राइस ब्रेन ऑयल, रूबिया, देन सनफ्लावर ऑयल, तुलसी, टर्मरिक। तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं ना वो सारे स्किन को ध्यान में रखते हुए ही यूज किए गए हैं। वो सारे ऑल स्किन टाइप्स के लिए सुटेबल हैं। फॉर ऑल किड्स, फॉर ऑल दी मॉम आउट्स देयर कैन यूज दिस प्रोडक्ट। एंड पैच टेस्ट जरूर कीजिएगा। और ये प्रोडक्ट आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा जिसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। बेबी सोप के साथ साथ मैंने इसका नीम एंड चारकोल वेरियंट भी ट्राई किया। इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरह की है और आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। पैकेजिंग पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसका शेल्फ लाइफ 3 ईयर्स का है, इसकी प्राइस एंड ऑल एवरीथिंग यू विल गेट ऑन दिस पैकेट। अभी मैंने इसको यूज नहीं किया है बट आई थिंक ये भी बेस्ट ही होगा। और भी अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसका इंस्टा हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इंस्टाग्राम पर इसकी और भी डिटेल्स पा सकते हैं। एज ऑफ नाउ आई वुड हाईली रिकमेंड दिस ब्रांड। यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट इफ यू आर लुकिंग फॉर योर किड्स और फॉर योरसेल्फ, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा और मुझे कमेंट करके बताना आपको अगली कौन सी वीडियो देखनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं आपसे मिलूंगी मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय।